यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 के लिए मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन आयोग के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का हम अभ्यास भी करेंगे। लेकिन साथ ही मेरा जो सबसे बड़ा प्रयास है कि एग्जाम हॉल पे आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को हल करना है, उसको लेकर एक पूरी टेक्निक, कैसे 2 घंटे को हम वहां पर जाकर के अच्छा बनाएं, उसको लेकर के यहाँ पे मेरा प्रयास है। और कुछ चीजें आप सीखेंगे, जानेंगे, रिवीजन करेंगे, हर एक चीज जो है यहाँ पर होगी। जितना भी समय है रेगुलर पर डे आपकी क्लासेस होंगी और इन क्लासेस के माध्यम से आप रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो यूपी पीसीएस 2024 के लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आप लोग क्लास जरूर करिए। साथ ही आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, संस्थान के द्वारा आप सभी को लेटेस्ट अपडेटेड टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई गई है और हिंदी इंग्लिश और दोनों में टेस्ट सीरीज है। और जो लोग सी सेट वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का सी सेट की स्थिति बहुत खराब है, तो मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, जो भी समय बचा है उसमें सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए और उन क्वेश्चन पेपर पे जिस तरीके मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, उन पे उस टाइप को तैयार कर लीजिए। लगभग वही टाइप आपका बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन आपका अलग होगा लेकिन टाइप वही रहता है। तो जो टेस्ट सीरीज आपकी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसमें सी सेट के प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई गई है। तो आप लोग यदि टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं तो आप वहां से टेस्ट जरूर दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं जीएस को लेकर के। देखिए यहां पे जो कुछ भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले करूंगा ना, इसका अल्टीमेट मेरा एक ही उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। मैं एक ही उद्देश्य के साथ आप लोगों को यहां पे करवाऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि आप उस तकनीकी को समझे कि जिस तकनीकी के माध्यम से आयोग में जाकर के हम पेपर्स को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति जो है आपकी वैदिक संस्कृति से भिन्न कैसे थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुराना क्वेश्चन है। तो मान लीजिए अब यहां पे देखिए कथन आपको मिलेंगे, 4 कथन है, ये सामान्य सा क्वेश्चन है और इसमें से आपको कथन के हिसाब से आपको पता करना है कि दोनों में क्या अंतर था। पहला कथन कह रहा है इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। ये बात तो सत्य है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी शहरी सभ्यता थी और वैदिक कल्चर जो आपका था ये आपकी ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। तो इस आधार पर यह कथन सही हो जाता। और देखो जब भी कभी ऐसे कथन हो, क्योंकि इसमें लास्ट में उपर्युक्त सभी का भी उदाहरण है, तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली शर्त है क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, शांत मन से पढ़ना है, डरना नहीं है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो घातक हो जाता है यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ते। पहला आपको यह पेशेंस डेवलप करके क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। तो पहला वाला कथन आपका सही है, ठीक है। दूसरे कथन पर चलते हैं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है कि चित्रलिपि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, इस कारण से भिन्न है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखो लोहे की खोज जो हुई है ना वो उत्तर वैदिक काल में 1000 एडी के आसपास, वो बीसी के आसपास हुई है, ठीक है। यदि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन, और जो वैदिक सभ्यता है आपकी लौह युगीन सभ्यता है ना। तांबा प्लस टिन बना करके लगभग 85% तांबा और 15% आपका टिन, दोनों को मिला करके कांसे की धातु जो है, तो कांसे की बहुत सारी जो है यहां पर हमें वो मिले हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो देखा जाए तो तीनों ही आधार सही हैं। ये आधार भी सही है, लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इनका आंसर नहीं निकल पाएंगे। बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बट देखिए आप पाएंगे तो पूरे के पूरे तीनों क्वेश्चन, यानी एक डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तब इस टाइप के क्वेश्चन हम निकाल पाएंगे, ठीक है। कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, मैंने क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आयोग पूछता ही पूछता है हर हालत में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहां पे कुछ शहर दिए गए और साथ साथ अन्य शहर दिए गए हैं, जो नागार्जुन कोंडा है, पैठन है, ये आपके स्थल है, और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है इससे जोड़ करके। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है यूपी के बच्चे, यूपी पीसीएस के बच्चे रटे होते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा से ही पता चलता है रावी नदी, यानी ए का 2 सही है। तो आप देखो ये इलिमिनेशन मेथड से तुरंत निकल जाते हैं इससे, लेकिन अब आयोग थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने वाले ना बहुत शार्प हो गए हैं, वो ध्यान में रखते हैं कि भाई चारों ऑप्शन में आपको उलझाया जाए। तो ओवरऑल कई बार तो इलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा, लेकिन कई बार आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखिए
हड़प्पा जो है आपका रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा आपका कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है, और पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं और वो कहाँ अवस्थित है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये बर्निंग टॉपिक है, हड़प्पा के स्थल और उनकी अवस्थिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। सभी बच्चे जितने भी हैं इत्मीनान से सेशन को देखेंगे और बस समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मांडा जो है आपका सबसे उत्तरी स्थल है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थित है, इसको भगतराव भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में आपका अवस्थित है आपका। और कालीबंगा, यहां से मैंने सेशन लिया था, आप याद रखना हमेशा, यहां से मैंने भारत दर्शन का सेशन आपका कवर किया था। कालीबंगा राजस्थान में है, पीलीबंगा के पास, और राखीगढ़ी साइट है हरियाणा की। तो जितनी भी साइट है वो आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ये टाइप का क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग आपका पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी वो कौन कौन सी नदी थी। आपको पता है कि सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां थी, ठीक है, सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसमें गंगा तो इलिमिनेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी पहले ही, तो सिंधु, चिनाब, झेलम, ठीक है। यदि आप देखेंगे एक दो तीन सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। 150 क्वेश्चन में ना आपको हिला देगा आयोग, तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चीजों को देखना है। ये आपका क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, एक तरफ आपके बहुत सारे हमारे जो जो है बहुत सारे हमारे यहाँ पे व्यक्तित्व दिए गए हैं, और ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा है, ठीक है। यदि आपको पता है, ये चर्चा में रहते हैं, है ना, और बहुत फेमस हैं हर एक उसके लिए। एक याद कर लीजिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाला रट लीजिए आप। हरिप्रसाद चौरसिया किससे जुड़े हुए हैं, बांसुरी से, ठीक है। रविशंकर आपके सितार से जुड़े हुए हैं। ओमकार नाथ ठाकुर आपके वायलिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बिस्मिल्ला खां सहनाई से जुड़े हुए हैं। तो मुझे जहां तक लगता है बिस्मिल्ला खां सबको पता होगा, इसमें रविशंकर जी के बारे में भी पता होगा, सितार, यहां पे थोड़ा सा ओमकार नाथ ठाकुर को लेकर के हो सकता है आपके दुविधा हो, बट आसानी से निकल जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं देखो, मेरा मानना है कि यदि इलिमिनेशन मेथड से निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक दो भी यदि आप निकाल लेते हैं तो काम हो जाता है इसमें काफी हद तक, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जितने भी बच्चे हैं, और सेशन से जुड़े रहिए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका त्योहार और राज्यों से जुड़ा हुआ है ना। मैंने यहां पे अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके पूछता है। बिहू कह रहा है कि सही जोड़े बनाइए, कि कौन से जोड़े आपके सही हैं, तो मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन है आपका। बिहू तो आपका, आपको पता है, असम का जो है प्रसिद्ध पर्व है आपका। दूसरा है ओडम, ओडम आपका कहां से है, ओडम आपका जो है केरल का है आपका ओडम। पोंगल आपका तमिलनाडु है, बैसाखी आपका पंजाब है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, सीधे सीधे मिले ही हुए होते हैं, इसका ए सही है। तो ये त्यौहार और राज्य, ठीक है। दक्षिण भारत के त्यौहार ओडम किससे संबंध है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपके अब, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये किस भगवान से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। तो ओडम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है, और मलयालम कैलेंडर जो आपका है उसमें अगस्त या सितंबर महीने में आप पड़ता है, ठीक है, उसमें मलयालम कैलेंडर में इसको हम चिनगम कहते हैं, चिनगम, और 10 दिन तक चलता है आपका। भक्त प्रहलाद के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, ठीक है, महाबली, बलि का नाम आपने सुना होगा, भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था उससे जुड़े हुए थे महाबली। तो भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली की पूरी उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी उनकी गृह वापसी के परिपेक्ष में आपका यह पूरा का पूरा पर्व मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा था, ओडम तो पता है केरल से है, लेकिन किस प्रोस्पेक्टिव में मनाया जाता है यह नहीं पता होता है। तो यह महाबली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। महाबली कौन है, भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं, ठीक है, बामना अवतार जो हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे कह रहा अतापू क्या है, कई सारे शब्दावलियों से क्वेश्चन आपके आते हैं,
ठीक है। अतापु निम्नलिखित में से क्या है, किससे जुड़ाव है अतापु का? तो अतापु है आपका, अतापु निम्नलिखित में से किन त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापु निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापु आपका ओडम से संबंधित है। ओडम किससे संबंधित है? ओडम से, ठीक है। अतापु ओडम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। किसको बोलते हैं? रंगोली को। घरों में बनाई गई रंगोली को अतापु कहते हैं, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। यहां पे देखिए, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसमें ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के गलत भी हो जाते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी को एक बार ध्यान से पढ़ने हैं। देखो, कथन और कारण जब भी करना है आपको, पहले देखिए कथन सही है कि गलत है, ये पहले तय कर लीजिए। यदि कथन सही निकलता है तो फिर देखिए कारण सही है कि गलत है। यदि कारण सही निकलता है फिर देखिए क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है। इन तीनों आधार पे, तीन जो है स्टेप पे क्वेश्चन होता है आपका। पहले कथन और कारण दोनों के सही होने की पुष्टि कर लीजिए। यदि आपको ये सही लग रहा है तो इनकी व्याख्या को देखिए, तब जाकर के इसका आंसर आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, यह तो तय है। हिमालय जो है आपका, ग्लेशियर्स हैं इतने सारे, हमेशा जल की उपलब्धता रहती है, मानसून पर निर्भर नहीं है। दूसरा कह रहा है, हिमालय अपनी वर्षा के अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये बात भी सही है, जब मानसून आता है तो हिमालयी नदियों को पानी पर्याप्त प्राप्त हो जाता है, उत्तर भारत में खूब वर्षा होती है। लेकिन आप देखेंगे तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां सतत वाहिनी है, मानसून तो 4 महीने ही रहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका, है ना, जून से लेकर के सितंबर तक आपका रहता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने ही। तो ऐसे में हमेशा पानी रहने का कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं है, वो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं। तो ये दोनों कथन सही तो हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो यह ध्यान रखना है, दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए। दोनों का आपस में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, सब आपको पता है। मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है, ठीक है, ग्लेशियर से उद्गम होना ही इसका मुख्य कारण है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतट मैदान को क्या कहा जाता है? अब देखो, आपको पता है जो हिमालयी क्षेत्र होता है ना, जैसे कि आप देखें, मैं हिमालय की यदि अवसंरचना की बात करूं, सबसे बाहर तो आपका ट्रांस हिमालय है। सबसे बाहर क्या है आपका? ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद आपका है महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय के बाद है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय, और उसके बाद है आपका शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक जो है आपका, उसके बाद जो इसका पर्वत पादीय क्षेत्र है हिमालय का, यहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, है ना, बहुत सारे जो है कंकड़ पत्थर आपके बड़े बड़े बोल्डर्स के तौर पे है शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र पे या पर्वत पादीय क्षेत्र पे। इसको हम भाभर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाभर कहते हैं। तो हिमालय क्षेत्र का जो पर्वत पादीय क्षेत्र है उसको भाभर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर ऊपर से पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों के साथ जो है आ जाते हैं, यहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं भाभर क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद तराई क्षेत्र है, भाभर है, इसके बाद शिवालिक के बाद भाभर प्रदेश है, यह ध्यान रखना, आपको याद करना है, ठीक है। भाभर प्रदेश, यहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, है ना, प्रदेश। फिर आपका तराई रीजन है जहां पर नदियां वापस निकल आती हैं और ये नम भूमि वाला क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र। तराई के बाद है आपका आता है बांगर, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़, बांगर क्षेत्र। फिर है आपका खादर, खादर मतलब नवीन जलोढ़, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्रम बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाभर, डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लगातार मेरे साथ रिवीजन कर लो, जितना भी समय बचा है इसमें रिवीजन करते हैं, जब तक एग्जाम आपका आएगा उससे पहले पहले मैं आपको सब कुछ रिवाइज करा दूंगा। देखो, अभी एग्जाम 17 मार्च को होता है या कभी भी होता है, जब भी होता है,
तो भी आपको पढ़ना ही है, इसलिए अभी पढ़ लो। अब डेट टाइम फिक्स कर लो, 6 बजे मैं आपको शाम को मिलूंगा आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी पे लाइव। तो यदि लाइव मिलूंगा तो लाइव रहना आप लोग, ये टाइम आपको मेरे लिए डेली की क्लास शेड्यूल हो जाएगी। और क्लास को शेयर जरूर करना है ताकि उन सभी छात्रों तक पहुंचे जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इस समय बच्चे दिमागी स्तर पर अस्वस्थ बहुत हैं, इसलिए दिमागी स्तर पे आपको मैं शांत कर दूंगा इस पूरी अवधि में, रिवीजन करा दूंगा, तैयारी करा दूंगा, डेली के टारगेट देके जाऊंगा। जितना टारगेट देके जाऊं 15 दिन में सब कुछ कर सकते हैं, अभी भी इतना रिवीजन करा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है उसे पढ़ना है। कह रहा भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह कथन सही है गलत है? बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा क्योंकि ये आपका जो है ना, जो प्लेट है आपकी, प्लेट टेक्टोनिक है, तो जो आपकी इंडियन प्लेट है और वो दोनों प्लेटें आपस में क्या हो रही हैं, एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ठीक है, कह रहा हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम वाले क्षेत्र अवस्थित है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप जोन 5 आपका जो है वो हिमालयी क्षेत्र ही है, सबसे ज्यादा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो थ्रस्ट है आपका, भ्रंश है जो आपका, फॉल्ट है आपका, अनुदैर्ध्य उत्क्रम जो आपका है, क्योंकि नीचे प्लेट टेक्टोनिक आपकी मेन बाउंड्री फॉल्ट है यहां पे। ठीक है, दो चीजें हैं आपकी, मेन बाउंड्री फॉल्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको हम बोलते हैं MFT और MBT, मेन, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है यहां पे और मेन फ्रंटल थ्रस्ट है यहां पे। तो थ्रस्ट एंड फॉल्ट दोनों यहां पर देखने को मिलते हैं हमारे, इस कारण से जो है यहां पर अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो ये बिल्कुल इसको क्या कर रहा, परिभाषित कर रहा, इसी कारण से ज्यादा यहां पे भूकंप आते हैं, क्योंकि यहां पर मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री आपका यहां पे फ्रंटल थ्रस्ट भी देखने को मिलता है और MCT भी है यहां पर, मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी है आपका। तो ये कारण है क्योंकि ये टेक्टोनिक गतिविधियों वाला क्षेत्र है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को ना अनुदैर्ध्य उत्क्रम नहीं समझ में आता, तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लेना है, जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो ज्यादा सीधे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सेशन अगला उसमें चलते हैं। निम्नलिखित कह रहा है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ है और स्थायी अवयव नहीं है? कह रहा है कि 1935 में तो था, लेकिन मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या क्या चीजें हैं जो आपके संविधान में 1935 को लेकर के, पहली चीज है देश के लिए लिखित संविधान। देखो लिखित संविधान की मांग जो है ना, ये 1940 में मानी गई आपकी अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, पहली बार ये माना गया कि भारतीय ही भारत के लिए संविधान निर्माण करेंगे, और ये हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका चालू हुआ, इसके लिए बात नहीं हुई थी। ठीक है, लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है 1935 के अधिनियम पे, क्योंकि यहां पे शब्द नहीं लिखा हुआ है। लिखित संविधान की बात 1940 से स्टार्ट हुई, फिर 1942 में क्रिप्स आए, उन्होंने भी बोला, फिर 1945 में बेबल आए, उन्होंने भी बोला, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, फिर उससे संविधान सभा बनी। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा, लिखित संविधान का प्रावधान नहीं था। बाकी सारी चीजें मेरे ख्याल से संघ की बात की गई थी, विधानमंडल में सरकारी सदस्यों के जो है यहां पे नॉमिनेशन की बात भी हुई थी, जवाबदेह प्रतिनिधियों की बात हुई थी, ये सारी बातें हुई थी। एनवायरमेंट को लेकर के क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण को लेकर, कह रहा है सामान्यता पर्यावरण को निम्नलिखित में से कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है और कौन वर्गीकरण का अंश नहीं है? ये मतलब एक तरीके से पर्यावरण के वर्गीकरण की बात कर रहा है। तो देखो पर्यावरण को जो है भौतिक और जैविक दो पे तो बांटा ही जा सकता है, साथ ही साथ साथ आपका सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, ऊर्जा पर्यावरण भी होता है, तो ये पर्यावरण के संगठक के तौर पे, लेकिन परिचालन पर्यावरण जैसी कोई बात नहीं होती है। तो एनवायरमेंट की क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका कथन और कारण से है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कथन सही है गलत है? मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले हमें यही पता करना है कि कथन सही है गलत है। तो सतत विकास सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा के तौर पे इस समय, कि सतत विकास होना चाहिए। कैसा विकास होना चाहिए? जो हमेशा रहे, है ना,
जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी रहे, धारणीय विकास रहे, तो समाज मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, कथन सही है। कारण को देख लेते हैं। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करता है, यह भी सही है। तो यदि आप देखें तो दोनों ही सही है, है ना। एक आपकी संस्था है WCED, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1987 पे, आवर कॉमन फ्यूचर करके एक रिपोर्ट आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर, एक रिपोर्ट इसके द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। और उस रिपोर्ट में सतत विकास के लिए बताया गया था, सतत विकास की परिभाषा बताई गई थी। इसी रिपोर्ट को हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, ब्रंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं, और इसी को ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानता है। इसमें ही धारणीय विकास की परिभाषा दी गई थी, ठीक है। तो जो यहां पर दिया हुआ है ना कि सतत विकास से प्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे, उसे ही हम सतत विकास कहते हैं, ठीक है। ये सारी बात यहां पे जो लिखी हुई है, तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। अब देखिए, आप दोनों का संबंध स्थापित करें। कह रहा सतत विकास मानव समाज के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे सतत विकास की परिभाषा देकर के बोला गया है कि वर्तमान समय की आवश्यकता को भी पूरी करे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी करे, यानी कथन कारण से जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए तो मानव कल्याण का समर्थन हो रहा है यहां पे, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पे है 1987 में, देखो अभी मैंने बताया भी संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन दिया गया, धारणीय विकास के बारे में चर्चा आरंभ हुई, वही है आपका आवर कॉमन फ्यूचर, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। ये आपका इसका बी ऑप्शन सही होगा ना, बी ऑप्शन सही होगा। इसी में जो है सतत विकास के बारे में बात हुई थी, WCED के द्वारा दिया गया था आंसर। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया, और याद भी रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से, ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे यहां पे पूछ रहा है, गाय की एक नस्ल है, कह रहा है उच्च उत्पादकता, मतलब सबसे ज्यादा दूध देने वाली प्रजाति कौन सी है। तो देखिए यहां पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। दरअसल एक गाय की प्रजाति है जो नीदरलैंड में पाई जाती है, जिसका नाम है होलस्टीन, ठीक है, होलस्टीन प्रजाति है, नीदरलैंड की प्रजाति है, और ये सफेद और काले रंग की प्रजाति होती है, सफेद एंड काला रंग गाय का। यह सर्वाधिक दूध देने का रिकॉर्ड हुआ है इसका, ठीक है, एक वर्ष में 33,860 किलो लीटर दूध इसने दिया है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह रिकॉर्ड दूध का नाम इसी के आगे है, होलस्टीन के नाम, ठीक है, यह गाय की एक प्रजाति है। कह रहा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, तो ये डिवाइस से पूछा गया क्वेश्चन, एंडोस्कोपी होती है ना, एंडोस्कोपी के माध्यम से जो है कार्य किया जाता है, शरीर के अंदर के भीतरी रोगों की पहचान के लिए एंडोस्कोपी की जाती है, ठीक है। कार्डियोग्राफ आप सभी जानते हैं, हृदय की गति से जुड़ा हुआ है। जायरोस्कोप आपका जो है ये झुकाव को दिखाता है, कोणीय झुकाव को देखता है जायरोस्कोप। और केस्कोग्राफ के बारे में आप सभी जानते हैं, पौधों की वृद्धि के बारे में बताता है, पौधों की वृद्धि, केस्कोग्राफ। एंडोस्कोपी की जाती है शरीर के अंग को लेकर के, एंडोस्कोपी। एक कैमरा होता है और कैमरा को मुंह के माध्यम से या रेक्टम के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है, और उसके माध्यम से डॉक्टर देखता है जो आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एंडोस्कोप है शरीर के अंदर के लिए ये होता है। यहां पर देखिए कई सारे जो है आपके डिवाइसेस दिए गए हैं और बताया गया है कि भाई इनमें ये किससे जुड़े हुए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। आइडियोग्राम, आइडियोग्राम का जुड़ाव है कान से, आइडियो, आइडियो का मतलब ही कान है, ठीक है। ईसीजी, ईसीजी जुड़ा हुआ है हृदय से, ठीक है, हृदय का ईसीजी होता है ना। ईजी, ईजी जुड़ा हुआ है मस्तिष्क से, किससे जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क से, ठीक है। और मेमोग्राम, मेमोग्राम जुड़ा हुआ है बक्ष से, ठीक है। ये आपके अलग अलग है, ये मैंने आपको पूरी लिस्टिंग करवाई थी एक बार, याद भी करवाया था आप सभी को, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, ये आपके जो है मैच द फॉलोइंग से साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कुछ इकोनॉमी से भी क्वेश्चन मैंने यहां पे लिए हैं। कह रहा है किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए उपयुक्त माप कौन सी हो सकती है,
तो किसी भी देश के लिए आर्थिक वृद्धि के लिए उपयुक्त माप क्या है? उपयुक्त माप है आपका प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय से ही हमें वहां पे जैसे आपका एक वो निकलता ना ह्यूम एसडीआई है ना, मानव विकास सूचकांक, भारत की रैंक कितनी है, 132वीं रैंक है आपकी 2021-22 का जो रिपोर्ट आया था मानव विकास सूचकांक का, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। 132 रैंक है हमारी, अभी नई रिपोर्ट नहीं आई है, यही है आपके पास। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद से हमें पता चलता है, एसडीआई का संकेतक के तौर पे भी ये रहता है। नेक्स्ट है 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, ये सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है इसको लेकर के, एक ही नाम है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस पर जो है इन्होंने इसका जिक्र किया था कि इतनी आपकी जो है आय है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ मिले जुले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे होंगे। आयोग भी इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देता है, कुछ क्वेश्चन कठिन मिलेगा, फिर आसान मिलेगा, कठिन मिलेगा, आसान मिलेगा। तो हमें जब आंसर करना है तो हमें फ्रॉग मेथड का यूज करना है, फ्रॉग मेथड, जंप कर जाना है क्वेश्चन को, तभी निगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे, ठीक है। तभी निगेटिव मार्किंग से आप बच पाएंगे, आपको जंप करते हुए चलना है, क्वेश्चंस को जंप करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे रिवीजन में, कल से आपको मैं टारगेट दूंगा 2024 के लिए, टारगेट भी आपको दूंगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लगाइए, जो भी समय आपके पास बचता है उसमें टेस्ट लगाइए। टेस्ट सीरीज से आपको आइडिया लगेगा, एक अभ्यास होगा, एग्जाम वाले दिन का अभ्यास होगा। टेस्ट सीरीज के लिए संस्थान का एक एप्लीकेशन है, टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी, ये ऐप है आपका, केवल टेस्ट सीरीज का ऐप है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में यूपीपीसीएस 2024 के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद सी सेट, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, जीएस प्लस सी सेट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, और साथ में डिटेल करंट अफेयर्स की भी टेस्ट आपको मिलेंगे। सब कुछ आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे,